भाई गूगल फोटोज आप लोग भी बहुत दबा के यूज कर रहे होंगे, तभी आप आज ये वीडियो देखने आए हैं। दोस्तों, आपकी गूगल फोटोज भी हो सकता है कि 100% फुल हो चुकी हो, या फिर कुछ मन में आपके ऑप्शन चेंज करने का वो आया हो कि भाई अब मैं कुछ नई चीज ट्राई करूंगा और गूगल फोटोज से अपनी सारी फोटोज को डाउनलोड कर लूंगा। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी विचार है और उसका एंड प्रोडक्ट है कि आप गूगल फोटोज से सारी फोटोज को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अपनी सारी फोटोज को, वीडियोस को, फ्रॉम गूगल फोटोज टू योर डिवाइस, एंड यू कैन सेव ऑल योर फोटोज फ्रॉम गूगल फोटोज टू योर डिवाइस। दोस्तों, इसको करने के एक ही उपाय है, दूसरा उपाय आपके लिए वर्क नहीं करेगा क्योंकि वो काफी लंबा है। तो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आप लोगों ने ऐसा करके ट्राई तो किया होगा, ये मेरी डॉटर है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करते होंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता होगा सेव टू डिवाइस। अभी करेंटली मेरे डिवाइस में ऑलरेडी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट फ्रॉम डिवाइस। तो दोस्तों, ये तो एक एक फोटो के लिए हो गया, बट ऐसी बहुत सारी फोटोज होंगी, तभी आपका 15 GB का फ्री स्टोरेज भर चुका होगा, या हो सकता है आपने और भी ज्यादा यूज कर रखा हो। तो आपको सारी फोटोज डाउनलोड करने के लिए कोई एक मल्टी सिलेक्ट का ऑप्शन चाहिए, जहां पे आप सारी सिलेक्ट करके एक बारी में डाउनलोड कर पाए। दोस्तों, अब इसको करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है, जो कि आपको यहाँ की सेटिंग्स में नहीं मिलेगा। और दोस्तों, आप यहाँ पे जाएंगे, सेटिंग्स में ट्राई करेंगे या फिर कुछ भी डिटेल्स देखेंगे, तो भाई यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो जस्ट फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग्स। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको आना है बैक पेज पे, और आपको एक लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें लिखा होगा दोस्तों गूगल टेकआउट, takeout.google.com। और दोस्तों, takeout.google.com में क्या है दोस्तों, कि ये आपको प्रोवाइड करता है कॉपी ऑफ ऑल योर डेटा। ऑल योर डेटा का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारे जो भी डेटा गूगल सेव करता है आपका, उसका एक ऑप्शन देता है कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो अपने डिवाइस के अंदर। तो किस किस टाइप का डाटा देता है उसमें दोस्तों, इस टाइप का डाटा देता है एक्सेस लॉग, एक्टिविटी, असाइनमेंट्स, फलाना ढिकाना, कैलेंडर, क्रोम, क्लासरूम, कॉन्टैक्ट्स, फलाना ढिकाना, बहुत कुछ है, मतलब गूगल ड्राइव, फिट, गूगल अकाउंट, गूगल चैट का डेटा, गूगल फाइनेंस का डेटा, गूगल फोटोज का डेटा, गूगल प्ले बुक्स एंड फलाना ढिकाना। यहाँ पे हमें मेजरली क्या फोकस करना है, हमें गूगल फोटोज पे फोकस करना है, क्योंकि हमें क्या डेटा चाहिए, हमें डेटा चाहिए गूगल फोटोज का यहाँ से। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको दोस्तों यहाँ पे डीसेलेक्ट ऑल कर देना है सबसे पहले, और हमें क्योंकि सिर्फ गूगल फोटोज का डेटा चाहिए, हम लोग सिर्फ गूगल फोटोज को सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों, होता क्या है, कई बार आपका कुछ डेटा गूगल फोटोज के अलावा गूगल ड्राइव में भी पड़ा होता है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपने गूगल ड्राइव पे भी सिलेक्ट कर लेना है बेस्ड ऑन योर नीड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे नहीं सिलेक्ट कर रहा, बट आप करना चाहें तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड आपके पास ऑप्शन भी आ जाएगा कि कौन कौन से ऑप्शन को आप डाउनलोड करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे गूगल ड्राइव को नहीं सिलेक्ट कर रहा और मैं सिर्फ गूगल फोटोज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, गूगल फोटोज को सिलेक्ट करने के बाद भी आपके पास ऑप्शन आएगा कि कौन कौन से फॉर्मेट में आप डेटा डाउनलोड करना चाहते हैं, कौन कौन से फॉर्मेट का डेटा डाउनलोड करना चाहते हैं, दैट इज फोटोज, वीडियोज, एल्बम मेटा डेटा, फोटो मेटा डेटा। तो दोस्तों, हम लोग ये सारा डाउनलोड करना चाहते हैं। प्लस यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि कौन कौन सी एल्बम को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि भाई मुझे सारी एल्बम डाउनलोड नहीं करनी, मुझे सिर्फ 2023 की करनी है, 2024 की करनी है, फलाना ढिकाना, जो भी आपको करना है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। दोस्तों, हमें ये सब कुछ करना है। इसको करने के बाद दोस्तों, आपको लास्ट में जाना है, और लास्ट में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, यहाँ पे इसका लास्ट बहुत नीचे आता है, लास्ट में ऑप्शन आएगा दोस्तों आपके पास नेक्स्ट स्टेप, हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमसे ये पूछेगा ऑप्शन कि आपको ये डेटा कैसे चाहिए, सेंड डाउनलोड लिंक वाया मेल, ऐड टू ड्राइव, ऐड टू ड्रॉप बॉक्स, फलाना ढिकाना, जो भी आपको कहीं और जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, गूगल ड्राइव से निकाल के, गूगल फोटो से निकाल के मैं वन ड्राइव पे डालूंगा डेटा, वहां पे कुछ ज्यादा स्टोरेज मिल रही है, तो आप वहां पे भी डाल सकते हैं, वो आपका ऑप्शन है। पर मैंने यहाँ पे सेंड डाउनलोड लिंक वाया ईमेल करा है, क्योंकि मुझे ईमेल में डेटा चाहिए, क्योंकि हम लोग उस लिंक के थ्रू डेटा को डाउनलोड करेंगे अपने फोन के अंदर या फिर अपने लैपटॉप के अंदर। दोस्तों, ऐसा करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट वंस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लोग ऑप्शन चूज कर लेंगे जिप का, और नीचे फाइल साइज में आप चाहें तो 2 GB, 4 GB, 10 GB, जो भी साइज आप चूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे आप ऑप्शन पे क्लिक कीजिए क्रिएट एक्सपोर्ट। दोस्तों, ऐसा करने के बाद, ये इमीडिएट स्टेप नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, योर फाइल्स आर करंटली बीइंग प्रिपेयर्ड, दिस प्रोसेस कैन टेक अ लॉन्ग टाइम, पॉसिबली आवर्स और डेज टू कम्प्लीट, एंड यू विल रिसीव एन ईमेल व्हेन योर एक्सपोर्ट इज डन। दोस्तों, ऐसा होने के बाद, एक्सपोर्ट बनने के बाद, आपके पास यहाँ पे लिंक आएगा, और यहाँ पे लिंक नहीं आता दोस्तों, आपके पास जो आपकी जीमेल अकाउंट है, आपको अपने जीमेल पे जाना है,
और जीमेल पे जाके आपको चेक करना है कि भाई वहाँ पे आपके पास कोई लिंक आया है कि नहीं आया। और दोस्तों जीमेल में, जैसे कि अभी मेरे पास नहीं आया है, बट जीमेल में जैसे ही आपके पास लिंक आएगा आप डायरेक्टली उसको क्लिक कीजिए एंड अब आप उसका यूज करके डाउनलोड कर पाएंगे अपनी सारी गूगल फोटोज को। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूँ। कुछ भी गड़बड़ लगे तो कमेंट में जरूर बताना।